Assalamualaikum viewers, this is Danish and you're watching Physics Learning with DR. Welcome to my channel. आज हम लोग चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर टू की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो आज हम वो देखेंगे, और इसमें हम कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर वन से. सबसे पहले आपसे न्यूमेरिकल नंबर वन में वो कहता है कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. देखिए दो तीन बातें याद रखिएगा. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट इन एब्सिसा, ये जो सारी बातें हैं ये एक ही चीज के नाम है जिसको आप एक्स वाई प्लेन कहते हैं. टू डायमेंशनल जो होता है, ठीक है. वो कहता है आपके पास एक कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक वेक्टर रखा गया है. उस वेक्टर की जो टेल है उसके पॉइंट्स ये हैं, और जो उसकी हैंड है और उसके पॉइंट जो है वो ये हैं. आप बताएं कि इस हैंड और इस टेल के दरमियान का डिस्टेंस कितना है. इस हैंड और इस टेल के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, ये वेक्टर कोई ए वहां पे बताया गया है, ठीक है. तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करना है. आपने ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, दो पॉइंट्स आपके पास आ गए. इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर लिखिए, इस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर लिखिए. मैंने ये दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर लिखे क्योंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है. ये पहले वाली वैल्यू एक्स होगी, दूसरे वाली वाई होगी. एक्स के साथ आई आएगा, वाई वाली के साथ जे आएगा हमारे पास. तो इसका जब मैंने यूनिट वेक्टर लिखा तो माइनस टू आई माइनस थ्री जे आ गया. इसी तरह इसका थ्री आई प्लस नाइन जे आ गया. अब मुझे दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, तो आर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन मैंने किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई. इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस किया तो माइनस, ये जब मैंने वैल्यूज लिखी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया. आई वाली जो है वो एक साथ एड हो जाएगी, यानी कि 3i प्लस 2i 5i हो जाएगी, और 9j प्लस 3j 12j हो जाएगा. तो अब हमें वेक्टर नहीं चाहिए था बल्कि उसका मैग्नीट्यूड चाहिए था. तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे इस वेक्टर r का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है r x² + r y², और इस मैग्नीट्यूड को सॉल्व कैसे करेंगे. r x की वैल्यू हमारे पास 5 है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आई स्क्वायर जो है वन ही होगा, उसको तो हमने लिखेंगे. तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो मैंने लिखा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 145. इसको सॉल्व किया 169 आया, तो हमारा आंसर आ गया 13 यूनिट्स. अगर आपके पास कोई यूनिट्स कोई आपको नहीं पता कि यूनिट्स क्या है, तो आप सिंपल जो है वो यूनिट मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे. तो न्यूमेरिकल नंबर टू में वो कहते हैं आपने एक रूम का भी एक कॉर्नर लिया, जैसे ये हमारे पास एक कॉर्नर है. इस कॉर्नर से ये सपोज करें कॉर्नर है और यहाँ पे कोई एक इंसेक्ट बैठा हुआ है. ये कॉर्नर है, यहाँ पे कोई एक इंसेक्ट बैठा हुआ है. आप बताएं कि इस इंसेक्ट का इस कॉर्नर से यहाँ तक जो इंसेक्ट बैठा हुआ है इसका फासला कितना है, यानी कि घर रूम के कॉर्नर से इसका फासला आपने बताना है. तो उसके लिए आपने ओरिजिन ले लिया. ओरिजिन पे आपको पता है एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, और वो पॉइंट जहां पे कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है उसको आपने पी ले लिया. अब इस ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो पोजिशन वेक्टर बन रहा है मैं लिख लूंगा, वो आर मैंने कह दिया टू आई प्लस जे, क्योंकि वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है वो 1 है. इसका मैग्नीट्यूड लें सिंपल, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, रूट 5 सॉल्व कीजिए 2.24 मीटर में आ जाएगा हमारे पास. उसने मेंशन किया हुआ था कि जी लेंथ जो है वो डिस्टेंस जो मीटर में दिया हुआ. न्यूमेरिकल नंबर 3 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जी, अक्सर पूछा जाता है. आप बोर्ड के पेपर उठा के देखें, ठीक है, अक्सर आपको ये मिलेगा. कहते हैं आपके पास एक वेक्टर है ए, आप बताएं इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा. अब पोजीशन वेक्टर हमें पता है किसके इक्वल होते हैं, ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. अब वेक्टर ए तो उसने हमें दे दिया है, इसका मतलब है हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम. अगेन मैग्नीट्यूड को दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो इस सिंबल से लिखा जाता है, खाली ए भी आप लिख सकते हैं. अगर आपने इसको यहाँ पे खाली ए लिख दिया तो इसका सिंबल मतलब भी वेक्टर मैग्नीट्यूड ही होता है. तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर आपने इसको ए लिखा तो भी मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है. दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं. अब ए ऑफ एक्स का स्क्वायर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ मैग्नीट्यूड का,
दो चीजें चाहिए थी, एक हमें वेक्टर चाहिए था वो उसने खुद दे दिया, दूसरा हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था वो हमने निकाल लिया। तो वेक्टर ऊपर रखा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड रखा 4i plus 3j upon 5। अब कुछ बच्चे साथ इसका यूनिट मेंशन कर देते हैं, भाई यूनिट जो जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है उसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज की रेशियो है, ठीक है, तो इसका यूनिट नहीं होगा। और ये इंपॉर्टेंट फोर में उसने आपको दो पार्टिकल्स की पोजिशन वेक्टर आपको दिए हैं और उसने आपसे पूछा है कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दें और इसकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब एंगल होता है, ठीक है, ये दो चीजें उसने आपसे पूछी है, वो आपने जो है वो उसको फाइंड आउट करके देंगे। सबसे पहले देखें, उसने दो पोजिशन वेक्टर आपको दे दी है और इन पोजिशन वेक्टर का आपसे उसने मैग्नीट्यूड पूछा है और एंगल पूछा है, ठीक है। अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए। अब मुझे दो वेक्टर्स दिए हैं तो R2 माइनस R1 करके मैं R निकाल लूंगा, फिर मैंने ये निकाला, ये R2 माइनस R1 किया तो हमारे पास R2 की वैल्यू रखी माइनस R1 की वैल्यू रखी, इसको सॉल्व किया तो देखें माइनस 2i ऐसे ही आ गया प्लस j माइनस 3i माइनस माइनस हमारे पास जो है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7j, तो ये माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा प्लस 3 माइनस 7j 4j आ जाएगा माइनस 4j आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड ले लें, हमने मैग्नीट्यूड लिया तो हमारे पास माइनस 5 स्क्वायर आ गया और माइनस 4 स्क्वायर आ गया 25 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट 41, तो ये हमारे पास 6.4 आ गया। इसका मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आया वो 6.4 आ गया। दूसरी बात उसने कहा था ओरिएंटेशन एंगल निकाल के, तो एंगल निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि tan inverse is equal to a of y upon a of x, यानी कि y axis की वैल्यू बटा x axis की वैल्यू। आपने मुख्तलिफ तरह से इसको पढ़ा होगा, y axis upon x axis या फिर r y upon r x, मुख्तलिफ तरह से आपने इसको याद किया होगा, बात एक ही है, ठीक है। अब इसके लिए मुझे चाहिए y axis की वैल्यू और x axis की वैल्यू। y axis की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, यहां पे देखें जरा, ये वाली y एक्सिस की वैल्यू मेरे पास क्या आई है माइनस 4 और x एक्सिस की वैल्यू माइनस 5। अब सवाल ये है कि हम यहाँ पे अच्छा अगर आप यहाँ से माइनस वैल्यू पुट कर भी देते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अगर आप एंगल निकालने जा रहे हैं तो आपको साइन साथ नहीं करना होता, याद रखिएगा, या आपकी बुक में मेंशन भी है ये बात। तो 4 बाय 5 इसको सॉल्व किया 0.8 आ गया, tan इनवर्स हमने निकालना था यहाँ से, tan tan 5 हमें दिया हुआ था तो हमें 5 निकालना, तो यहाँ से tan inverse हो जाएगा 4 by 5, तो 5 is equal to tan inverse 0.8, 5 is equal to 38.60। अब कुछ बच्चे जो है वो यहाँ तक करके sufficient इसको एंड कर देते हैं, ये यहाँ तक ये कंप्लीट नहीं होता। वजह क्या है, अब अगर आप इस वेक्टर को देखें, इस पोजीशन वेक्टर को अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। हमने कहा था कि हमारे पास तीन क्वाड्रेंट होते हैं, पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, और इसमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये देखें हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो एंगल ही चेंज हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा बनता है 180 डिग्री प्लस 5 बनता है। अब जिसने यहां तक कर दिए वो तो गलत है, इसका मतलब है ये आगे ये स्टेप भी होना, तो हमने यही बात देखी है, वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा 180 डिग्री प्लस 5 होगा, तो फिलहाल 5 तो हमने निकाल लिया, 180 डिग्री में इसको ऐड कर दें 218.6 आता है, अप्रोक्सीमेटली 219 डिग्री हमारे पास ये बन रहा होता है, यानी कि जो आपका वेक्टर लाई कर रहा है वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है जी। दूसरा सवाल, फिफ्थ सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आसान सा है और बार बार आपसे पूछा जाता है, कहते हैं आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, वैल्यूज नहीं पता आपको, कहते हैं जब मैंने वेक्टर बी को वेक्टर ए में जमा किया तो मेरे पास आंसर आ गया ये वाला, जब मैंने वेक्टर बी को वेक्टर ए में से माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया ये वाला। आसान से लफ्जों में दो वेक्टर हैं ए और बी, एक बार जमा कर रहे हैं डेफिनेटली कोई आंसर आएगा, दूसरी बार माइनस कर रहे हैं उस वक्त भी कोई आंसर आया। वो आपसे कहता है आप बताएं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है। सिंपल सी बात है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने वही दोबारा लिखा, देखें ये प्लस बी है ये माइनस बी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए ए 2a हो जाएगा, 6i माइनस 4i 2i हो जाएगा,
और आई प्लस सेवन जे एट जे हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे ए निकालना है, इस पूरी क्वेश्चन को टू से डिवाइड करें तो ए इज इक्वल टू आई प्लस फोर जे आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालें, आई वन का स्क्वायर फोर का स्क्वायर, अंडर रूट 17 आएगा तो 4.1 यूनिट्स आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये वाला थी। न्यूमेरिकल नंबर 6 में आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं और उसने आपको कंडीशन दी है कि अगर आप ए और बी को जमा करते हैं तो आपके पास सी वेक्टर आता है। आप उस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल के दें और उसका ओरिएंटेशन यानी कि एंगल भी निकाल के दें। दूसरी कंडीशन उसने दी है कि अगर आप वेक्टर ए को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं वेक्टर बी को 2 से मल्टीप्लाई करके तो आपके पास एक वेक्टर डी आ जाता है। आप उस वेक्टर डी का जो है मैग्नीट्यूड भी निकाल के दें और पोजिशन वेक्टर भी निकाल के दें। सिंपल सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो हम सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। ए और बी हमें गिवन है, ए और बी को जमा करेंगे तो सी आ जाएगा। तो हमने जमा किया ए और बी को, 2i प्लस 3i 5j प्लस माइनस माइनस j आ जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लिया 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट 26 आ जाएगा जो कि 5.1 के इक्वल आ जाएगा। सिंपल है, मैथमेटिक्स है, सॉल्व करना है बस। अच्छा जी, c का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, पहली चीज हमने निकाली। दूसरी बात उसने कहा था ओरिएंटेशन एंगल भी निकाल के दें। एंगल निकालने के लिए हमने पढ़ा था y एक्सिस बटा x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस वन है जो कि हम, अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, माइनस वन पुट कर देते हैं। देखिए मैंने माइनस वन पुट नहीं किया, मैंने वन पुट किया है और x की वैल्यू है फाइव, तो मैंने फाइव पुट की है। आपकी पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अगर आप देखें पीटीबी का पेज नंबर 29 देखें, आप वहां पे लिखा हुआ है कि जब भी आप एंगल निकालेंगे तो आप जो है आर एक्स और आर वाई का जो साइन है उसके इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइन आप साइन की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहां से आप ये अगर यहाँ पे माइनस साइन पुट कर देगा तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो आपने माइनस साइन पुट नहीं करना। रेफरेंस मैंने आपको दे दिया, पीडीबी पेज नंबर 21 जाके आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सॉल्व किया, 5 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/5 आ गया, 11 डिग्री आ गया। अभी बच्चे यहाँ तक करके सफिशिएंट है, जो बच्चे एंड कर देते हैं यहाँ पे एंड नहीं हुआ। आप देखें आपका जो वेक्टर वैल्यू है एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई एक्सिस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। मतलब क्या है, आपका जो क्वाड्रेंट बन रहा है ये दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पे ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये दोनों नेगेटिव थे, यहाँ पे x पॉजिटिव था और y नेगेटिव। इसका मतलब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल बनता है वो कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री माइनस फाइव है। तो आप अगर ये स्टेप नहीं करेंगे तो आपका आंसर भी सही नहीं आएगा और जितने यहाँ तक ये वो इनकम्प्लीट है, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 360 डिग्री माइनस फाइव किया, 360 डिग्री माइनस 11 तो 349 डिग्री। अब ये जो आपका आंसर आया ये बिल्कुल ठीक है। इसका बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में कुछ भी नहीं है, डी इज इक्वल टू 3a माइनस 2b, यानी कि वेक्टर a को 3 से मल्टीप्लाई करें, मैंने डायरेक्ट कर दी है, वेक्टर a को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 प्लस 9 आ गया, और b को 2 से मल्टीप्लाई करें, मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, मैंने वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 17j आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है सिंपल। अब देखें यहाँ पे सिर्फ j है, x की वैल्यू तो है ही नहीं है, x की वैल्यू नहीं है तो वो जीरो होगी, अगर x की वैल्यू जीरो है तो सिर्फ y की वैल्यू रहेगी। इसको इसका मैग्नीट्यूड लिया अंडर रूट स्क्वायर रूट, ये जो है ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, तो आपके पास मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 17 आ गया। अब दूसरी बात उसने कहा था एंगल निकालें, यहां पे आपको अगर आप एंगल निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, अगर नहीं निकालना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। क्यों, आपको पता चल जाता है, देखें जब आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई है तो सिर्फ आपके पास वाई एक्सिस की वैल्यू आ रही है, तो वाई एक्सिस का एंगल क्या बन रहा होगा, ये आपका वाई एक्सिस का एंगल क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब आपका वेक्टर जो है वाई एक्सिस में लाइन कर रहा है, एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं होती और आप निकालना चाह रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ठीक है, 17 अपॉन 0, तो 0 क्या आ जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, 10 इनवर्स इनफाइनाइट से 90 डिग्री पे आता है ऐसे। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है जी, न्यूमेरिकल नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं यहाँ से कि आपने एंगल फाइंड आउट करके देने हैं दो वेक्टर्स के दरमियान। याद रखिएगा उसने आपको दो वेक्टर्स दे दी हैं, आपसे पूछा गया दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या बन रहा है। जब भी आप एंगल कैलकुलेट करेंगे तो आप कॉस थीटा वाला रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने वही यूज किया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मुझे एंगल निकालना तो मैंने कॉस थीटा को रखा यहाँ पे, बाकी को मैंने इससे डिवाइड करवा दिया ये। अब मुझे वेक्टर ए चाहिए था, वेक्टर बी चाहिए था, वो उसने मुझे दे दिया है। दूसरा मुझे चाहिए था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए और बी तो मुझे पास है, लेकिन मुझे उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना था, डॉट प्रोडक्ट से मैंने पहले मल्टीप्लाई करवाया,
तो देखें 5i plus j into 2i plus 4j. अब इसकी मल्टीप्लीकेशन सिंपल है, इसके लिए आपको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपको पता होना चाहिए कि सेम प्रोडक्ट के साथ ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 10i स्क्वायर आ जाएगा. i स्क्वायर यूनिट वेक्टर है तो 1 आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा. देखिए जब ये 5 into 4 j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि i डॉट j जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है. ठीक है, तो इस वजह से इसको हमने सॉल्व नहीं किया. फिर i जब j के साथ मल्टीप्लाई होगा अगेन 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा. 10 प्लस 4 14 आ जाएगा हमारे पास. तो a डॉट b की वैल्यू हमारे पास आ गई. अब हमें a का मैग्नीट्यूड चाहिए और b का मैग्नीट्यूड चाहिए. a का मैग्नीट्यूड जो हमने निकाला वो कैसे निकाला, हमने a का मैग्नीट्यूड a की वेक्टर a हमारे पास था 5 प्लस j, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 26 आ गया, 5.1 ये आ गया. यहां से b का b की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 20 आ गया, इसको सॉल्व किया 4.47 आ गया. ये सारी वैल्यूज मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट की, थीटा यहां से निकाला कॉस इनवर्स हो जाएगा. a डॉट b की वैल्यू मैंने निकाल ली थी 14 आ गया, a की वैल्यू 5.1 है, b की वैल्यू 4.7 है. सारी वैल्यूज पुट की, इसको सॉल्व किया 0.614 आया, 52 डिग्री हमारे पास ये एंगल बन रहा है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकली हैं वो मैं फिलहाल सॉल्व कर रहा हूँ. सबसे पहले न्यूमेरिकली नंबर 10 देखिए, कहता है आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ए है दूसरा बी है. आप फाइंड आउट करके देखें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. बट याद रखिएगा ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जाता है और बच्चे अक्सर गलत करते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, याद रखिएगा जिसका प्रोजेक्शन होता है उसके साथ कॉस थीटा आता है. यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए है तो ए कॉस थीटा आपको फाइंड आउट करने के लिए, अगर वो कहता है प्रोजेक्शन ऑफ बी तो आपको बी कॉस थीटा फाइंड आउट करना. ध्यान रखिएगा जिसका प्रोजेक्शन है उसके साथ कॉस थीटा आ जाएगा. उसने आपसे कहा कि आप प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी यानी कि ए कॉस थीटा फाइंड आउट करके थे. तो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. यहां से मुझे ए कॉस थीटा निकालना है, इसके लिए मैंने इसको मैनिपुलेट किया, ए डॉट बी अपॉन बी आ गया. अब आंसर ये आएगा, कैसे आएगा ये मैंने नीचे सॉल्व किया. ए डॉट बी सबसे पहले मुझे चाहिए था, ए गिवन है डॉट डॉट मल्टीप्लीकेशन यानी कि स्केलर प्रोडक्ट और बी के साथ मल्टीप्लाई किया. अब सिर्फ और सिर्फ आप याद रखें इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है. आई वाला सिर्फ आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी कुछ भी नहीं करना आपने. आई मल्टीप्लाई बाय आई 3 आ जाएगा. जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा वो तो वैसे ही 0 है, नहीं लिखना. के वाला के से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 3 4 8 12, तो 3 - 12 माइनस 9 आ गया. सिंपल मल्टीप्लीकेशन. बी का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, बी आपके पास ये है 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले लें. 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 25 आ गया, सॉल्व किया 5 आ गया. आपको चाहिए था a डॉट b, उसकी वैल्यू आ गई -9. b का मैग्नीट्यूड चाहिए था वो भी आ गया, तो आपका a cos थीटा जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b जो है वो अंडर रूट 9/5 के इक्वल है. दूसरा सवाल की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, अक्सर आप इसको बोर्ड के पेपर्स में आपको मिलेंगे ये सवाल, ठीक है, बहुत आसान है. ठीक है, अब कहते हैं आपके पास दो वेक्टर हैं, जब आपने उसको उसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो आपके पास आंसर ये आया, जब आपने उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आपका आंसर आया ये. आप बताएं दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है. तो सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के. अब उसने हमें खुद से वैल्यू दे दी है किसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल. क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा के, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 6 के इक्वल. अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, मुझे निकालना है एंगल, मुझे एंगल निकालना है, तो मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास ये सीन आ जाएगा. देखें ए बी साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा ये आ गया इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 अंडर रूट. ये ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा. साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया. तो थीटा अगर यहां से निकालूं टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3, इसको सॉल्व करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा. ये आपका एमसीक्यू भी बनता है, याद रखिएगा 30 डिग्री का एंगल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. लास्ट पर न्यूमेरिकल नंबर 8, उसने दो फोर्स आपको दे दिए और दो पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हैं, उसके मैंने डायरेक्ट दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, उसके मैंने पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट लिख दिए हैं. उसने कहा है कि वर्क देन फाइंड आउट करके दें. वर्क देन के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट. तो
फोर्स तो उसने हमें दे दी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दी, उसने दो पॉइंट्स दिए हैं, तो इन दो पॉइंट्स में से हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? आर टू माइनस आर वन, ठीक है, तो मैंने यहाँ से वो आर टू माइनस आर वन करके निकाला, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आर भी आ गए, एफ भी आ गए, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अगेन मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है? आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, थ्री फोर आर ट्वेल्व, टू फाइव आर टेन, सम किया 22 यूनिट्स आ गया। रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल है वो इंशाल्लाह हम इसके बाद